सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है, मेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है, पापों से बचाता, शापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम, one and only, one and only, यीशु नाम। थमाता है पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है, आशीष वो देता है, हर रोगों को चंगा वो करता है, पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है, आशीष वो देता है, हर रोगों को चंगा वो करता है, तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है, सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है, पापों से बचाता, शापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम, one and only यीशु नाम, 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 one and only यीशु नाम। चुका है, देखो हर घुटना टिक रहा है और हर जुबान ये कह रही है कि यीशु ही प्रभु है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है, गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है, बच्चों से अपनी करता है और अद्भुत नजारे दिखाता है, गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है, बच्चों से अपने करता है और अद्भुत नजारे दिखाता है, कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का, कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का, पापों से बचाता, शापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम, one and only, one and only यीशु नाम, one and only यीशु नाम, one and only यीशु नाम। हेलो सुरेश भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ यार, तुम बताओ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। चल चल यार, जल्दी करो। ओके ओके, चलते 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 बैठ बैठ यार। ओके ठीक ठीक। अरे वाह, क्या कार है! ऐसे ही है पापा यार। यार तुम्हारी गाड़ी से खास मेरा भाई कौन सा कम है। अरे ये, अरे यार सुरेश, ये क्या है? इसमें कुछ इशू के बारे में लिखा हुआ? छोड़ यार, क्या देगा अपने बारे में? अरे मुझे बता दो सही यार, की और क्या देगा? Thank you.
मृत्यु हुई। जैसे मैंने सोचा था ये उससे काफी अलग है। तुम्हें पता है मैंने सोचा था कि मौत मुझे ऐसी जगह ले जाएगी जहां सब कुछ धुंधला और धुआंधार हो, पर ये जगह काफी सरल स्पष्ट है। मेरा जीवन जो धरती पे था उससे भी कहीं ज्यादा। मैं सोच सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, यहां तक तो बातें भी कर सकता हूँ। एक्सीडेंट के तुरंत बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और भयानक सा अनुभव हुआ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तू मुझे चीख कर पुकार रहा है, पर शायद मैं चीखों की कल्पना कर रहा था। पहले तो मैंने अपने आप को एक लंबी सी लाइन में खड़ा पाया। शायद कोई चीज दर्ज करवा रहे थे। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो वो बड़ी सी किताब में कुछ ढूंढने लगे। उस किताब के ऊपर जीवन की पुस्तक लिखा हुआ था। उन्हें मेरा नाम उस किताब में नहीं मिला। फिर वहां एक बड़ा दिव्य दूत आया, मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मुझे पकड़कर घसीटने लगा। मैं बहुत डर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने उस दूत से पूछा भी कि मुझे कहां लेकर जा रहे हो। उसने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर पूछा, मैंने बार बार पूछा, मेरे बार बार पूछने पर उस दूत ने मुझे बताया कि जिनका नाम जीवन की किताब में है केवल वही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, बाकियों को हमेशा के लिए नरक का दोषी ठहराया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। उस बड़े दिव्य धूप ने मुझे एक बड़ी सी झील में डाल दिया। मैं वहां बैठकर सोचता रहा एक लंबे समय तक। मैं बार बार सोचता रहा। तू जानना चाहता है मैं क्या सोच रहा था? सचमुच जानना चाहता है? मैं सोच रहा था तेरे बारे में। हमारे पास कई बार मौके मिले इन बातों के बारे में चर्चा करने। मैंने कई बार उससे यीशु के बारे में पूछा, लेकिन तूने मुझे हमेशा कुछ और ही बातों में उठा दिया। तूने क्यों नहीं बताया है मेरे दोस्त, तूने क्यों नहीं बताया? हालांकि हमारे एक्सीडेंट होने से पहले मैंने तुझसे यीशु के बारे में पूछा कि तू मुझे यीशु के बारे में बता, लेकिन तूने सारी बातों को इग्नोर कर दिया, कुछ और ही बातें करने लगा। अब देख मैं कहां पे हूं। तू मुझे अपना दोस्त कहता है ना, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि नरक से मैं कैसे बच सकता हूं? अब देख वो दूत मेरी तरफ आ रहे, वो मेरी तरफ आ रहे, वो मुझे घसीट रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, उन्होंने मुझे पता लिया, वो मुझे ले जा रहे, वो मुझे ले जा रहे। सुरेश, सुरेश मुझे बचाओ, सुरेश, सुरेश सुरेश, मैं एक बात सोच रहा हूं कि काश तू यहां भी होता, तू इस दर्द को महसूस करता मेरी जगह, तू यहां भी होता। सुरेश
मुझे माफ कर दो।